Владикана и ты же тоже. हॉस्पिटल इधर पहले जो नहीं था अंगोराडा से और इस पास इलाके में तो नज़दीक हॉस्पिटल नहीं था, काफ़ी बच्चे और ख़वातीन हॉस्पिटल के वजह से मरा हुआ है। अब जो ये हॉस्पिटल बना है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग खुश है इस हॉस्पिटल पर और काफ़ी लोगों के लिए सहूलत मिल गई है, क्योंकि अंगोराडा जो है वो बहुत यहाँ से दूर है, 52 किलोमीटर है। वहाँ से जो एक लेडीज़ की केस जो होते वो रास्ते में मर जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर डॉक्टर भी आया हुआ है, लेडीज डॉक्टर भी आया हुआ है, सारा इंतज़ाम इधर होते हैं इस हॉस्पिटल में। एक बार में लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ये ऐसे खुश है कि इस हॉस्पिटल और हमारा गरीब इलाके में फौज की कुर्बानी की वजह से और ये की वजह से ये हॉस्पिटल बना हुआ है और ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मुतासर है। यहाँ से लोगों को यही खान जाना पड़ता था, खसूसन मेल की जो फीमेल की जो डिज़ीज़ होती थी उसके लिए तो उनको खसूसन यही खान लेके जाना पड़ता था, क्योंकि ऐसी कोई फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं थी जिससे जो है ना वो मसाइल, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेल से यहाँ का पठानों का इलाका है तो मेल से कोई अपने मसाइल नहीं डिस्कस कर पाता, तो वो ज़्यादातर यही खान में लेके जाते थे। जब से ये हॉस्पिटल ओपन हुआ है तो तकरीबन वाना की जो तकरीबन औरतें हैं वो यहाँ पर आती हैं, क्योंकि हमारे पास गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जी। पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान तकरीबन 100 से 200 बच्चे जो है ना हमारे पास आते हैं, क्योंकि पहले जो है ना लोगों का वैक्सीन की तरफ रुझान नहीं था, लोगों का ख्याल था कि भाई ये वैक्सीन जो है ना बच्चों को पिलाई जाती है तो शायद ये कुछ और मसाइल क्रिएट करती है, लेकिन अभी जो है ना हॉस्पिटल के ओपन होने से और यहाँ के स्टाफ के मोटिवेट करने से ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर आते हैं जिनको हम वैक्सीनेट करते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ उन लोगों की कि उन्होंने एक ऐसी जगह पर हॉस्पिटल को डिवेलप किया है जहाँ के लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे थे कि जिनको किसी चीज़ का पता नहीं चलता था, ऐसे लोगों को उन्होंने इतना ज़बरदस्त हॉस्पिटल दिया है, तो मैं मशहूर हूँ ऐसे फातिमा बिना निहान की कि वो उन्होंने हमें ऐसा हॉस्पिटल प्रोवाइड किया है।